कहावत है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, और ये बात आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से लागू इन दिनों होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ दिल्ली में सेक्स सीडी के विवाद पर सियासी बवाल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल कॉमेडियन घुग्गी के पंजाब का संयोजक बनते ही वहां पर ऐसा गदर छिड़ा है कि 86 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही साथ पंजाब में कार्यालय का दफ्तर बंद कर दिया गया, और साथ ही पंजाब के प्रभारी संजय सिंह उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बने गुरप्रीत घुग्गी के पंजाब आप संयोजक की गद्दी संभालते ही केजरीवाल के नाम पर झाड़ू बुलंद करने वाले बागी हो गए। पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह के समर्थकों ने आप को अलविदा कह दिया। अमृतसर जिले के जोनल इंचार्ज गुरिंदर सिंह बाजवा के नेतृत्व में 86 नेताओं ने दिल्ली मुख्यालय को इस्तीफा भेज दिया। बागियों का दावा है कि ये तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे और क्या होता है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का दावा है कि बठिंडा, आनंदपुर साहिब, जालंधर, गुरदासपुर समेत सभी 13 जोन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अपना इस्तीफा किसी भी पल हाईकमान को भेज देंगे, यानी अभी और भगदड़ मचेगी। अमृतसर जोन दे जड़े ने वो आज इस्तीफे दे रहे ने, उन्हां च पांच जड़े स्टेट लेवल दे अहुदेदार ने, 11 वक् वक् विंगा दे जोन इंचार्ज ने, 34 सैक्टर इंचार्ज ने, ते 36 जड़े आ वो सर्कल इंचार्ज ने। टोटल 86 अहुदेदार जड़े ने वो अमृतसर जोन दे वो इस्तीफे दे रहे ने। बगावत करने वाले पंजाब के पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह के समर्थक बताए जा रहे हैं केजरीवाल ने हाल ही में सुच्चा सिंह को टिकटों का सौदा करने के आरोप में पंजाब संयोजक पद से हटाया था, और अब सुच्चा सिंह पंजाब में केजरीवाल के सपनों के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर उभरे हैं। आज से उनकी पंजाब यात्रा भी शुरू हो रही है, जिसमें वो केजरीवाल के दावों की हवा निकालेंगे। पंजाब जो हिंदुस्तान जो करप्शन दूर करेगी, बेरोजगारी दूर करेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, पर ये पार्टी जड़ी है इन्हें टिकटा बेच के भ्रष्टाचार की शुरुआत जड़ी है वो हमने समय तो पहले ही इन्होंने करती है, तो बहुत वधिया होया कि समय तो पहले सानू ये पार्टी का असल चेहरा पता लग गया है। आरोप है कि जिन 32 उम्मीदवारों को टिकट मिला है उनमें से 25 उम्मीदवारों का चयन सही नहीं हुआ। साथ ही दिल्ली में बैठे नेताओं ने सिद्धांतों को दरकिनार कर वॉलंटियर्स को धोखा दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने पंजाब में टिकट बंटवारे के एवज में महिलाओं के शोषण का सनसनीखेज आरोप उछाल दिया। बौखलाए संजय सिंह ने सहरावत को चुनौती दे दी कि अगर सबूत पेश कर दें तो राजनीति से तौबा कर लेंगे। क्योंकि ये सवाल मेरे चरित्र से जुड़ा है, क्योंकि ये सवाल पंजाब की महिलाओं को, पंजाब के लोगों को शर्मसार कर रहा है, इसलिए उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा, उनको कोर्ट में लाऊंगा और उनको कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने सच बताना होगा। हालात का अंदाजा इसी से लगाई कि मदर टेरेसा को संत दिए जाने के कार्यक्रम में शामिल होने रोम गए केजरीवाल ने वहीं से संदेश दिया कि पंजाब चुनाव की बागडोर अब सीधे उनके पास होगी। पर लगता है कि पंजाब में सत्ता में दखल के सपने को हकीकत का जामा पहनने से पहले कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। अमृतसर से मंजीत सिंह सहगल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।